खाकी वालों की चौखट पर 3 साल तक वो गिड़गिड़ाती रही। पुलिस वालों से गैंगरेप पीड़िता इंसाफ के लिए मिन्नतें करती रही, लेकिन जब हाथ में कुछ नहीं मिला तो खुद को खत्म करने की ठान ली। आग लगाकर जान देने की कोशिश की। जिस्म का 80% हिस्सा जल गया है। आज वो दिल्ली के LNJP अस्पताल में मौत से जूझ रही है। दिल्ली से सटे हापुड़ में एक लड़की के साथ दरिंदगी हुई है। उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। अब इससे त्रस्त होकर जब वो पुलिस के पास गई तो पुलिस ने भी उसकी मदद नहीं करी। आखिरकार उसने खुद को आग लगा ली और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, मेरे पीछे LNJP हॉस्पिटल है, यहां पर वो एडमिट है लड़की। दिल्ली से सटे हापुड़ के बाबूगढ़ की रहने वाली महिला के साथ 2016 में गैंगरेप हुआ था। न्याय के लिए वो थाने पहुंची, लेकिन पुलिस वालों को कहां एक पीड़िता की मदद की फुर्सत थी। सो थक हार कर महिला मुरादाबाद चली गई, इस इंतजार में कि एक दिन उसे इंसाफ मिलेगा। पीड़िता का वीडियो वायरल होने के बाद ही हापुड़ पुलिस जागी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसमें पुलिस ने FIR 14 लोगों के विरुद्ध दर्ज कर ली है और विवेचक को निर्देशित किया है कि महिला के तत्काल बयान नोट करें और जो गांव के लोग हैं जिन पर आरोप है उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, बयान उनके भी नोट करें, जो सत्यता है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। दरअसल गैंगरेप की कहानी जितना सीधा सपाट है उससे कहीं ज्यादा इस महिला की किस्मत के तार उलझे हैं। 2012 में पीड़ित महिला की शादी एक शख्स के साथ कोर्ट में हुई थी। महिला के पति और गांव वालों की माने तो ये शादी 1.5 साल तक ही चली, जिसके बाद इसके परिवार वालों ने इस महिला को एक शख्स के पास 10,000 रुपए में बेच दिया, जहां पति इससे दूसरे के घरों में काम करने के लिए भेजा करता था। महिला का आरोप है कि इसी दौरान कुछ लड़कों ने इसके साथ रेप किया और ये घिनौना सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। इसके बाद एक दूसरा लड़का महिला की जिंदगी में आया और फिर उसने इसकी देखभाल शुरू की और रूह कपाने वाली ये दास्तां पुलिस को बताई। उन पर कार्रवाई करने को लेकर पुलिस ने जब हमारी नहीं सुनी, उनका बचाव करा है, तो वो आरोपियों ने मुरादाबाद आकर उसे धमकी दी और उसे मानसिक प्रताड़ित इतना करा कि उसने अपने आप पे मट्टी का तेल घेर कर आग लगा ली है। अभी अलवर गैंग का मामला सुलझा भी नहीं है कि समाज के माथे पर हापुड़ की घटना का बदनुमा दाग लग गया है, लेकिन सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन भी है। अगर वक्त रहते महिला को इंसाफ मिल जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। किस तरह से एक लड़की के साथ बलात्कार कई लोगों ने किया है, फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। लड़की ने खुद को जला लिया क्योंकि पुलिस उसकी नहीं सुन रही थी, प्रशासन नहीं सुन रहा था और इस वक्त LNJP अस्पताल में लड़की भर्ती है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। फिलहाल इस सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है, देखना होगा क्या पुलिस आगे कार्रवाई करती है।